सी ओ थ्री सॉलिड साथ में हमें मिलेगी सी ओ टू प्लस एच टू यानी कि इसमें मेटल कार्बोनेट मिला है मेटल ऑक्साइड नहीं मिला तो ऑप्शन नहीं गलत दूसरा है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट तो इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले तो हमें मिलेगा वही मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सी ओ टू प्लस एच टू लेकिन अगर हमने ही इसको कंटिन्यू करा हीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना कि सोडियम बाइकार्बोनेट है है ना क्योंकि जो ग्रुप वन के कार्बोनेट है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप टू कार्बोनेट्स ड्यू टू देयर हाई लेटेस्ट एनर्जी तो अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप फिर से हीट करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में सीओ टू तो इस केस में हमें एम जी ओ या मेटल ऑक्साइड मिलेगी तो ये सही है फिर है पोटेशियम बाइकार्बोनेट अब फिर से ग्रुप वन का बाइकार्बोनेट है तो हमें दे देगा के टू सी ओ थ्री साथ में सी ओ टू प्लस में एच टू ओ अब फिर से जो के टू सी ओ थ्री की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो हाई है तो ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा टू गिव मेटल ऑक्साइड ड्यू टू हाई थर्मल स्टेबिलिटी

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर